सॉल्व द फॉलोइंग व्हाट प्रॉब्लम्स, आपको ये व्हाट प्रॉब्लम्स दिए इनको सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिभा हैज 33 मार्बल्स एंड सीमा हैज 68 मार्बल्स. हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव टुगेदर, यानी प्रतिभा के पास 33 मार्बल्स है, सीमा के पास 68 मार्बल्स. क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव टुगेदर, यानी हमें बताना है कि दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं. तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, प्रतिभा हैज मार्बल्स, ठीक है. कितने प्रतिभा के पास कितने मार्बल्स हैं, इज इक्वल टू 33. सेकेंड स्टेप बनेगी आपकी, सीमा हैज मार्बल्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है सीमा के पास 68. फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव टुगेदर, यानी दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं. प्लस करेंगे हम, प्लस का साइन, सम करेंगे, 3 + 8 कितने होंगे आपके 1, 2, 3 + 8 दिया है लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल कितना आया आपका 11 का वन, देन वन कैरी, 3 + 6 कितने होंगे आपके 9, 9 में 1 कैरी प्लस कर लेंगे तो 10, ये आ गया आपका 10, ठीक है. तो टोटल कितना आया आपका 101, ओके. चलिए सेकंड वाला करते हैं. 65 मैन एंड 38 वुमेन अटेंडेड द पेरेंट टीचर मीटिंग इन ए स्कूल, हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग. क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 65 मैन एंड 38 वुमेन अटेंड करने आए थे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग. हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग, हमें क्वेश्चन में बताना है कि कितने लोग मीटिंग अटेंड करने आए थे. तो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या बनेगी, मैन अटेंडेड द पेरेंट टीचर मीटिंग, कितने आए थे मैन, इज इक्वल टू 65. देन सेकंड स्टेप क्या बनेगी आपकी, वो मैन अटेंडेड द पेरेंट टीचर मीटिंग, और वुमेन कितनी आई थी, इज इक्वल टू 38. क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग, यानी मीटिंग में कितने लोग अटेंड करने आए थे मीटिंग, तो टोटल लगाएंगे 5 + 8 कितने होते हैं आपके 13 का 3 वन कैरी, 6 + 3 कितने होते हैं 9 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो 10, तो टोटल कितना आया आपका 103, ओके. अब करेंगे हम थर्ड वाला, ए मर्चेंट हैज 66 बैग्स ऑफ फ्रेश राइस एंड 45 बैग्स ऑफ ब्रोकन राइस, हाउ मेनी बैग्स ऑफ राइस डज ही हैव इन. और ए मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स क्या होता है, एक व्यापारी, एक व्यापारी के पास 66 बैग्स है फ्रेश राइस के, फ्रेश राइस यानी अच्छे वाले चावल के 66 बैग्स है, एंड 45 बैग्स ऑफ ब्रोकन राइस, और 45 बैग्स है उसके पास ब्रोकन राइस यानी टूटे हुए चावल के 45 बैग्स है. हाउ मेनी बैग्स ऑफ राइस डज ही हैव इन ऑल, यानी हमें ये बताना है कि उसके पास टोटल कितने बैग्स हैं राइस के.
45 is equal to 45. Then question में क्या पूछा है आपने, how many bags of rice does he have in all? यानी उसके पास कितने bags है rice के, plus करेंगे हम दोनों rice के bags को total लगाएंगे. 6 plus 5 कितने हो गए आपके 11, 11 का 1 then 1 क्या है, 6 plus 4 10, 10 में 1 plus carry करेंगे तो 11. तो टोटल कितने बैग्स है मर्चेंट के पास, 111. यानी दोनों राइस के बैग्स को मिलाकर टोटल उसके पास कितने बैग्स है, 111. फोर्थ वाला, देयर आर 42 रेड पेंस एंड 95 ब्लू पेंस एट ए बुकशॉप, हाउ मेनी पेंस आर इन द शॉप. यानी 42 रेड पेंस है और 95 ब्लू पेंस है एट ए बुक शॉप, यानी एक बुक की शॉप पर. हाउ मेनी पेंस आर इन द शॉप, अब आपको ये बताना है कि उस शॉप में कितने पेंस हैं. फर्स्ट स्टेप क्या बनेगी आपकी, रेड पेंस एट ए बुक शॉप. ठीक है, बुक शॉप पर कितने रेड पेंस हैं is equal to 42. Then second step banegi aapki blue pens at a book shop. Ab blue pens kitni hai book shop par, 95 likhenge is equal to kya pucha hai aage, how many pens are in the shop, yani dukaan mein kitni pens hai. दोनों पेंसों को टोटल करेंगे हम, प्लस का साइन देन टोटल. 2 प्लस 5 कितने हो गए आपके 7, 4 प्लस 9 कितने हो गए आपके 13. टोटल रेड एंड ब्लू पेंस को मिलाकर शॉप में कितनी पेंस है, 137. फिफ्थ, प्रशांत हैज 47 बुक्स इन हिज कबोर्ड and his sister Sarita has 58 books in her cupboard. How many books are there in the two cupboard? Prashant ke paas 47 books hai in his cupboard. Yani uske cupboard mein kitni books hai, 47. Cupboard means kya hota hai, jo book rakhne ka shelf hota hai, yani book rakhne wali jo almari hoti hai usse hum kya bolte hai, कबोर्ड. तो प्रशांत के कबोर्ड में कितनी बुक्स हैं, 47. एंड हिज सिस्टर सरिता हैज 58 बुक्स इन हर कबोर्ड, और उसकी जो सिस्टर है, बहन है सरिता, उसके कबोर्ड में कितनी बुक्स हैं, 58. हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द टू कबोर्ड, तो हमें ये बताना है कि दोनों कबोर्ड में कितनी बुक्स हैं. चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हम, प्रशांत has books in his cupboard. प्रशांत के कबोर्ड में कितनी बुक्स हैं? Is equal to 47. Second step. Sarita has books in her cupboard. अब सरिता के कबोर्ड में कितनी बुक्स है? Is equal to 58. क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों कबोर्ड में कितनी बुक्स है हमें ये बताना है, तो प्लस करेंगे हम. 7 प्लस 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 80 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितना आ गया आपका, 15. सेवन प्लस एट कितना
कितना आया था आपका 15, 15 का 5, then 1 carry, 4 plus 5, कितने होते हैं आपके 9, 9 में 1 carry plus करेंगे तो 10, टोटल कितना आ गया आपका 105, यानी प्रशांत और सरिता के कबोर्ड में टोटल कितनी बुक्स हैं 105। अब हम करेंगे 6, ए शॉपकीपर परचेज 54 पैकेट्स ऑफ पार्ले जी बिस्किट्स एंड 86 पैकेट्स ऑफ ब्रिटानिया बिस्किट्स, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स डिड ही परचेज इन ऑल, यानी एक शॉपकीपर यानी दुकानदार ने परचेज मीन्स क्या होता है खरीदा 54 पैकेट्स ऑफ पार्ले जी बिस्किट, यानी एक दुकानदार ने 54 पैकेट्स खरीदे पार्ले जी बिस्किट्स के एंड 86 पैकेट्स ऑफ ब्रिटानिया बिस्किट, और ब्रिटानिया बिस्किट्स के 86 पैकेट्स खरीदे, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स डिड ही परचेज इन ऑल, यानी उसने कितने पैकेट्स खरीदे बिस्किट्स के, हमें टोटल बताना है, यानी पार्ले जी बिस्किट्स और ब्रिटानिया बिस्किट दोनों बिस्किट्स के पैकेट उसने कितने खरीदे। तो फर्स्ट स्टेप बनेगी आपकी परचेज्ड packets of Parle G biscuits, कितने खरीदे Parle G biscuits के पैकेट 54। Then second step is purchased packets of Britannia biscuits, Britannia biscuits के कितने पैकेट खरीदे 86। Then क्या पूछा है क्वेश्चन में, how many packets of biscuit did he purchase in all, यानी उसने कितने पैकेट्स खरीदे बिस्किट्स के, हम टोटल लगाएंगे पार्ले जी और ब्रिटानिया दोनों को मिलाकर कितने उसने खरीदे टोटल, यानी प्लस 4 प्लस 6 कितने होते हैं आपके 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 प्लस 8 कितने हो गए आपके 13, 13 प्लस 1 कैरी 14, ठीक है कितना आया आपका टोटल 140, यानी पार्ले जी बिस्किट्स और ब्रिटानिया बिस्किट दोनों को मिलाकर उसने कितने पैकेट खरीदे 140। ओके सेवंथ, देयर आर 43 बॉयज एंड 78 गर्ल्स इन ए हॉस्टल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल, यानी 43 बॉयज हैं एंड 78 गर्ल्स हैं इन ए हॉस्टल, यानी एक हॉस्टल में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल, अब आपको ये बताना है कि हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेप बनेगी आपकी बॉयज इन ए हॉस्टल, यानी हॉस्टल में कितने बॉयज हैं इज इक्वल टू 43। देन सेकंड स्टेप इज गर्ल्स इन ए हॉस्टल, गर्ल्स कितनी है हॉस्टल में इज इक्वल टू 78। Then क्या पूछा है, how many students are there in the hostel, यानी हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं, प्लस करेंगे टोटल बताना है ना हमें कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर ही बताएंगे हम टोटल, प्लस करेंगे 3 प्लस 8 कितने हो गए आपके 11, 11 का 1 एंड 1 कैरी, 4 प्लस 7 प्लस 7 कितने होते हैं 11, 11 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो 12, कितना आ गया आपका आंसर 121, यानी गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में 121। ये हम करेंगे 8th वाला, शांति पार्क
डे हाउ मेनी कार्टून्स डिड दे पैक टुगेदर, यानी शांति ने 46 कार्टून पैक करे, राधिका ने 59 कार्टून्स पैक करे इन अ डे, यानी एक दिन में, एक दिन में शांति ने 46 पैक करे एंड राधिका ने 59 कार्टून्स पैक करे। हाउ मेनी कार्टून्स डिड दे पैक टुगेदर, यानी दोनों ने मिलकर कितने कार्टून्स पैक करे। चलिए करते हैं हम। फर्स्ट स्टेप इज शांति पैक्ड कार्टून इन ए, ये लिखा है इन अ डे, कितने पैक करे शांति ने 46। दैट सेकंड स्टेप इज राधिका पैक्ड कार्टून्स इन अ डे, राधिका ने कितने कार्टून्स पैक करे 59। देन क्या लिखा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी कार्टून्स डिड दे पैक टुगेदर, यानी दोनों ने मिलकर कितने कार्टून्स पैक करे। प्लस करेंगे हम 6 + 9, 1 2 3 4 5 6 + 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 वन कैरी, अब प्लस करेंगे 4 + 5, 4 + 5 कितना होता है आपका 9, 9 में वन कैरी प्लस करेंगे तो 10, कितना आ गया आपका आंसर 105। यानी शांति और राधिका ने दोनों मिलकर कार्टून्स पैक करे इन आर डे में, यानी एक दिन में कितने पैक करे दोनों ने मिलकर 105। नाइन वाला करते हैं, देयर आर 49 मैंगो ट्रीज एंड 75 एप्पल ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड, यानी 49 मैंगो ट्रीज हैं एंड 75 एप्पल ट्रीज हैं इन एन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड यानी बगीचा, एक बगीचे में 49 मैंगो ट्री हैं और 75 एप्पल ट्री, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड। अब आपको ये बताना है कि बगीचे में कितने ट्रीज हैं, यानी कितने पेड़ हैं। फर्स्ट स्टेप इज मैंगो ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड, मैंगो ट्रीज कितने हैं ऑर्चर्ड यानी बगीचे में 49। देन सेकंड स्टेप इज एप्पल ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड, एप्पल ट्रीज कितने हैं ऑर्चर्ड में 75। देन क्या लिखा है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड, यानी हमें ये बताना है कि ऑर्चर्ड में कितने ट्रीज हैं, कितने पेड़ हैं। टोटल लगाएंगे प्लस का साइन एंड प्लस करेंगे 9 + 5 कितने होंगे आपके 14, 14 का 4 वन कैरी, 4 + 7 कितने होते हैं आपके 11, 11 में वन कैरी प्लस करेंगे तो 12, कितना आ गया आपका 124। यानी मैंगो ट्री एंड एप्पल ट्री दोनों को मिलाकर बगीचे में कितने पेड़ हैं 124। ओके, आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, सो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आप अपनी सीडब्ल्यू कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।